टाइम ना बिताते हुए हम उनको बुला लेते हैं, आप सभी के कृपा से उनको बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुब्रतो नंदी, वेलकम सर। ओके, थैंक यू मिस्टर पार्थ भौमिक। और जितने भी आज का पार्टिसिपेंट है, हम देख पा रहे हैं कि 26 पार्टिसिपेंट अभी हम लोग के साथ है। तो चलिए, आज के टाइम, आज का जो सेशन है, आज उस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स, बूस्ट योर इम्यूनिटी। कैसे हम लोग आज के टाइम में, आज की इस बदलती दुनिया में, हम लोग कैसे सेहतमंद बने रह पाएंगे और कैसे अपनी इम्यूनिटी को इतना इतना बूस्ट कर सकते हैं कि कोई भी डिजीज हम लोग को हम लोग को छू नहीं पाएगा। तो उसके उसके लिए पहले जानना पड़ेगा कि डिजीज है क्या और उसके बारे में क्या क्या कारण है कि हम लोग इतना ज्यादा हम लोग अनहेल्दी बने हम अनहेल्दी हो जा रहे हैं, हम लोग को क्यों इतना डिजीज हो रहा है, ये सारे चीज के बारे में बात करेंगे और कैसे रियली हम लोग हेल्दी रह पाएंगे, ये सारा नुस्खा आज आपके सामने रखेंगे। तो क्या आप लोग सब कोई रेडी है आज के प्रोग्राम के लिए? तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके जल्दी से जल्दी आर लिखिए कि यस आई एम रेडी फॉर दैट सेशन। या ओके, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स। पहला चीज देखिए, व्हाई हेल्थ केयर, आज क्यों हेल्थ केयर का जरूरत हम सबको महसूस हो रहा है कि क्यों हम लोग को हेल्थ केयर करना चाहिए। देखिए, पहला चीज हम लोग हर कोई ये जैसे कि मिस्टर पार्थ भौमिक ने बताया कि कोरोना सिचुएशन हम लोग को बहुत सारा टेंशन दिया, बहुत कुछ हम लोग को बहुत सारा कुछ किया, लेकिन एक चीज हम लोग को सिखाया कि कैसे हेल्थ को टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले शायद ही हम लोग इतना हेल्थ के बारे में सोचते थे, इतना हेल्थ केयर के बारे में सोचते थे, लेकिन इस कोरोना इस कोविड के सिचुएशन में हर कोई कुछ ना कुछ हेल्थ केयर वो खुद का किया ही किया है। और क्यों आज के टाइम रियली हेल्थ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला, हम लोग बचपन से एक चीज जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। ये हर कोई बचपन का शायद पहला जो चीज हम लोग सीखते हैं वो यही है, हेल्थ इज वेल्थ। और पकड़ लीजिए हर किसी के स्क्रीन में ये जो नंबर है, पकड़ लीजिए ये नंबर मेरा टोटल लाइफ का वैल्यू है। पकड़ लीजिए ये मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा फैमिली, हर किसी का अगर वैल्यू कैलकुलेट करे, अगर ये मेरा ये उसका वैल्यू है, मेरा टोटल लाइफ का वैल्यू है, और इसमें एक जो है एक नंबर वो मेरा अगर हेल्थ है, और शायद आज के टाइम में इस बदलती दुनिया में अगर सही में हम लोग अपना हेल्थ को टेक केयर नहीं करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आगे चल के हम लोग का हेल्थ सही नहीं रहेगा, हेल्थ में कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर जरूर आएगा। और यही तकलीफ अगर होते हुए आगे चल के मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ और मेरा हेल्थ अगर जीरो हो जाए, भगवान ना करे मेरा हेल्थ अगर जीरो हो जाए, तो ये सारे एसेट सारे चीज का वैल्यू क्या बनता है, जीरो बन जाता है, इसका कोई वैल्यू कोई महत्व नहीं रहता। तो आज के टाइम में हेल्थ केयर ये नहीं कि हेल्थ केयर करना हेल्थ केयर सोच रहे हैं, ये मैंडेटरी है, हर किसी को हेल्थ को आप भी टेक केयर करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो कॉजेज ऑफ डिजीज, हेल्थ के बारे में जानना है तो पहले रोग के बारे में जानना है। देखिए 30-40 साल पहले आदमी को जो भी डिजीज होता था, जो भी रोग होता था, उसका कारण क्या था? कोई बैक्टीरिया था, कोई वायरस था, हम लोग बचपन में भी पढ़े थे कॉलेरा वायरस और बहुत सारा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज के टाइम में जो ज्यादा से ज्यादा आदमी को जिस तरह का डिजीज हो रहा है उसका कारण क्या है? देखिए 98% आदमी का अभी डेथ हो रहा है ड्यू टू डिजीज, कोई ना कोई डिजीज के वजह से उसका डेथ हो रहा है। और 90% डिजीज का कारण क्या है? कोई बैक्टीरिया और वायरस नहीं है, एक चीज है, वो है मेरे अंदर जमा होने वाला कचरा, टॉक्सिन्स। देखिए आपके आस पड़ोस में डायबिटिक हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम, इसके लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस का जिम्मेवार है? नहीं। फिर भी बहुत सारा लोग इसमें अभी प्रेरित है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जमा होने वाला कचरा। और ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है डॉक्टर लिनस पॉलिंग, नोबेल लॉरेट डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला मेरे अंदर कोई भी डिजीज, कोई भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ है, उसका कारण एक ही है, मेरे अंदर जमा होने वाला कचरा। तो कचरा जमा होने दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये कचरा जमा होने से होता क्या है? मेरे अंदरूनी जो एनवायरमेंट है
उसको ये धीरे धीरे तब्दील करता चला जा रहा है। जो नैसर्गिक रूप में मैं जब पैदा हो रहा, हम लोग जब पैदा होते हैं तो नैसर्गिक रूप में हम लोग का अंदर की जो एनवायरमेंट है वो एल्कालाइन रहता है, लेकिन यही टॉक्सिन मेरे अंदर जमा होते 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 ये मेरे अंदरूनी के जो एनवायरमेंट है उसको धीरे धीरे एसिडिक में तब्दील कर दे रहा है। और जिसके बारे में डॉक्टर ओटो वाग्बार 1931 साल में उसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था कैंसर डिस्कवरर के लिए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कोई भी डिजीज इवन कैंसर आपके अंदर रह नहीं सकता अगर आपका बॉडी एनवायरमेंट एल्कालाइन है। लेकिन आज के टाइम में चैलेंज क्या है, आज के टाइम में चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे अंदरूनी जो ये एनवायरनमेंट अपने आप बदलता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा मेरे अंदर आ रहा है और ये एनवायरनमेंट बदलता चला जा रहा है, मैं इसको तब्दील नहीं कर पा रहा हूं। मेरा बॉडी जो एल्कालाइन था जो धीरे धीरे एसिडिक में तब्दील होता चला जा रहा है, मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं, मैं मेरे बॉडी के एनवायरनमेंट को एल्कालाइन रख नहीं पा रहा हूं। तो क्यों क्यों हो रहा है, कैसे ये टॉक्सिन आ रहा है, किस सोर्सेस क्या है, कहां कहां से ये टॉक्सिन आ रहा है, चलिए देखते हैं। हम सबको पता है एयर पोल्यूशन, हम सबको पता है वाटर पोल्यूशन, हम सबको पता है हम लोग जो भी खाना सब्जी वगैरह फ्रूट्स जो भी ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा दवाई का छिड़काव किया जाता है, हम लोग सबको पता है। बहुत सारा मेडिसिन हम लोग के घर की बुजुर्ग लोग साइड लेते हैं या हम लोग भी ले रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसा बहुत सारा खाना हम लोग रोज रोज के दिनों में ले रहे हैं जिसमें बहुत जान में जान के या अनजाने में ले रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा हार्मोन का इंजेक्ट किया रहता है या एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट किया रहता है जो डायरेक्टली मेरे अंदर आ रहा है, और मेरे अंदर ये कचरा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। वो कचरा धीरे 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 जम के जब एक बहुत बड़े पैमाने पे आ जा रहा है तब मुझे मेरा बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। और एक कारण है जो मेरे अंदर हो रहा है, ये तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बाहर से आ रहा है या हाँ प्रदूषण बढ़ रहा है हम लोग को पता है, हाँ पानी सही नहीं मिल रहा है हम लोग को पता है, ये तो हम लोग देख पा रहे हैं जान पा रहे हैं, लेकिन और एक चीज जो मेरे अंदर बन रहा है हम लोग को पता ही नहीं है, वो क्या है, फ्री रेडिकल्स। क्यों, क्योंकि बदलती लाइफस्टाइल, लास्ट 30-40 सालों में हम लोग का लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुका है। देखिए जैसे पहले क्या है, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, आज से 30-40 साल पहले आदमी का मानसिक तनाव, और अभी एक बच्चा शायद 8-10 साल होते होते उसके दिमाग में भी स्ट्रेस, अब्बल आना है, अच्छा नंबर लाना है, तो स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस की वजह से उसके अंदर भी फ्री रेडिकल्स बढ़ रहा है, हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं क्या, अरे तुम लोगों के टाइम में हम लोग कितने जोशीले थे, आज के बच्चे उतने नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता नहीं, हम लोग के उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। लैक ऑफ स्लीप, हम लोग को सबको पता है, रात रात भर करके हम लोग फेसबुक करते हैं, ट्विटर करते हैं, कुछ भी करते हैं, नींद सही तरीके से हम लोग को नहीं होता है। और एक्सरसाइज, हम सबको पता है, आज के वेबिनार में जितने भी लोग हैं, 29 लोग हैं, सबको पता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन अपने दिल में हाथ रख के बताइए कितने आदमी सही में रोजाना विदाउट फेलियर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, शायद नामुमकिन बहुत सारे, शायद 10-15 लोग होंगे जितने ज्यादा हम लोग करते हैं। देखिए आज सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर कोई हेल्थ के बारे में सचेत है, इसीलिए आप इस वेबिनार में हैं, फिर भी शायद ही 10-15 आदमी होंगे ऐसे जो रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। तो सोचिए बाहर की दुनिया में क्या हालत है। तो ये सारा कचरा मेरे अंदर आया, ये सारा ये क्या हम लोग अवॉइड कर पाएंगे, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, क्या इसको हम लोग अवॉइड कर पाएंगे, लिखिए। अगर लग रहा है कि हाँ इस चीज को हम बदल सकते हैं तो डेफिनेटली यस लिखिए, अगर लग रहा है नहीं तो डेफिनेटली नो लिखिए, प्लीज नो लिखिए कि नहीं मैं ये तो बदलना नामुमकिन है। एकदम सही रवि जी, बादल जी, डेफिनेटली एकदम सही है। तो ये होता क्या, ये कचरा अंदर आने से हम लोग को कैसे पता चल रहा है कि ये मेरा अंदर आ रहा है, देखिए ये पहले से ही बड़ा बवाल करके नहीं आता, ये माइल्ड कुछ सिम्टम से आता है, कुछ माइल्ड सिम्टम, कुछ छोटा से छोटा सिम्टम से आता है जो हम लोग नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि थोड़ा सुस्ती लगना, फैटिगनेस, लो एनर्जी, एनर्जी उतना अच्छा नहीं है, हेडेक होना, मतलब सरदर्द होना, अपने का बदन दर्द या मसल पेन होना, बदन दर्द होना, डाइजेशन सही तरीके से नहीं होना, रोज का हम लोग का लैट्रिन जो है वो साफ नहीं होना, आसानी से कप कोल्ड लग जाना, तो हम लोग बोल रहे हैं
नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, हो गया, मौसम बदल गया इसीलिए हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, हम लोग हर कोई ब्रेन इसके लिए रीजनिंग खोजता है और ये माइल्ड प्रॉब्लम में आता है, हम लोग कुछ नहीं करते, ये माइल्ड प्रॉब्लम से धीरे धीरे आगे चल के ये कुछ मॉडरेट प्रॉब्लम में तब्दील हो जाता है। मॉडरेट मतलब देखिए क्या होता है, मॉडरेट प्रॉब्लम में आपका क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, स्किन एलर्जी होता है, रैशेज आता है, पिंपल्स आता है, ड्राई लीफ हो जाता है, एसिडिटी बढ़ता चला जा रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, हार्मोनल बैलेंस सही नहीं हो रहा है, एनीमिक हो रहा है, या ओबेसिटी वजन बढ़ रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं ओके ठीक है हो गया, क्या है, एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, हम लोग फिर भी रीजनिंग करते हैं ऐसे, और आगे चल के यही मॉडरेट माइल्ड से मॉडरेट मॉडरेट से चल के हम लोग सीवियर स्टेज में या क्रॉनिक स्टेज में आ जाते हैं, और क्रॉनिक स्टेज मतलब ना ना लौटने वाला कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, अल्सरेशन, मेंटल डिजीज, डायबिटिक, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर, ऐसा ऐसा। आप एक चीज सोचिए, क्या एक बंदा अगर नॉर्मल कोई भी बंदा अगर क्रॉनिक स्टेज में आ जाए, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे है, शायद आपके घर में भी है, हम लोग के सारे घर में है, या आस पड़ोस में हम लोग के जान पहचान में बहुत सारे लोग है, या तो वो डायबिटिक, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बीमारी से प्रेरित है, आप देखिए कोई भी डॉक्टर को दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बड़े से नामचीन डॉक्टर को दिखा रहा है, क्या वो नॉर्मल लाइफ में लौट के आ पा रहे हैं? प्लीज चैट में लिखिए यस और नो, क्या वो नॉर्मल लाइफ में आ पा रहे हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ में फिर रोजाना लौट के आ पा रहे हैं? प्लीज चैट में लिखिए यस, एकदम नहीं आ पा रहे हैं, उसका डिजीज भी बढ़ रहा है, मेडिसिन भी बढ़ रहा है, मेडिसिन का पावर भी बढ़ रहा है, और उनका डिजेशन भी और बढ़ता चला जा रहा है। तो माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से, एक दिन में कभी नहीं होता है, पहले माइल्ड फिर मॉडरेट, तो करना क्या है आज के टाइम में, हम लोग को क्या करना है, कैसे हम लोग इस जगह से आने में हम लोग को रोक सकते हैं, कैसे हम लोग खुद को, अगर मैं माइल्ड हो माइल्ड में रोक सकते हैं, या मॉडरेट में हूँ मॉडरेट में खुद को रोक सकता हूँ, कैसे कर सकता है? एक ही चीज करना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम लोग को खुद को प्रिवेंट करना है, वहां पे जाने से हम लोग को खुद को बचाना है, खुद को रोकना है, तो ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, इस फॉर्मूला को अगर आप लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा तो डेफिनेटली बहुत सारा लोग ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किए हैं और रियली लाइफ में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन रिस्पॉन्स उन लोगों को मिला है, वो जिस स्टेज में थे उससे बाहर चला गया या शायद और भी बेहतरीन लाइफ जी रहा है। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो तरीका क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला चीज जो है वो है क्लींजिंग, मतलब साफ करना, साफ करना। देखिए हर चीज गंदा होता है, हम लोग के घर में हम लोग का कमीज गंदा होता है, हम लोग का पतलून गंदा होता है, हम लोग का बेडशीट गंदा होता है, हम लोग का फर्श गंदा होता है, हर चीज गंदा होता है, हम लोग क्या उसको गंदा छोड़ देते हैं? क्योंकि अगर साफ भी कर लेंगे तो दूसरे दिन तो फिर तो गंदा होना ही है, तो उसको गंदा ही छोड़ देते हैं, क्यों साफ करना है? क्योंकि अगर हम लोग उसको साफ नहीं करेंगे उसका लॉन्गेविटी घट जाता है। हम लोग को सबको पता है, ये बाहर की दुनिया के बारे में पता है, लेकिन मेरे अंदरूनी की पुर्जों के बारे में हम लोग ये साफ करना, शायद मेरा उम्र 30-40-50 साल हो चुका है, लेकिन कभी हम लोग इस अंदरूनी पुर्जों के साफ करने के बारे में सोचते ही नहीं है, और यही गंदगी धीरे 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 मेरा अंदर बढ़ रहा है और मेरे अंदर के पुर्जे को धीरे धीरे उसका लॉन्गेविटी घटा दे रहा है। तो पहला चीज क्या करना है, इसको साफ करना है। दूसरी चीज क्या है, बैलेंस, जैसे ओटो वॉकबर्ग ने बोला, तो हम लोग को बॉडी को अल्कालाइन रखना है, तो उसके लिए क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके हम लोग को अल्कालाइन फूड लेना है, जितना ज्यादा, क्योंकि बाहर से तो अल्कालाइन फूड नहीं लेने से हम लोग का बॉडी अल्कालाइन नहीं होगा, तो अल्कालाइन फूड लेना है, कितना प्रतिशत लेना है, 80% हम लोग को अल्कालाइन फूड लेना है और 20% हम लोग को एसिडिक फूड लेना है। तो चलिए देखते हैं अल्कालाइन फूड है क्या। अल्कालाइन फूड मतलब आपका बहुत आसान है, हरी सब्जी और फ्रूट्स, इसमें बहुत ज्यादा अल्कालाइन फूड रहता है। और एसिडिक फूड मतलब आप इसके अलावा जो भी खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, आप कॉफी ले रहे हैं, आप चाय ले रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं, ऑल आर एसिडिक फूड। तो आपको बहुत ज्यादा 80% अल्कालाइन फूड लेना है और 20% एसिडिक फूड लेना है, ओके? और इसके अलावा और एक चीज का बैलेंस करना है, वो क्या है, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ये बहुत ही समझने वाला बात है, अगर आप लोग इसको समझ गए तो आप जान पाएंगे कि हम लोग का बॉडी के अंदर ये कचरा आने से होता क्या है, ये कचरा आना और ये स्ट्रेस की वजह से ये होता क्या है, ये फ्री रेडिकल्स बढ़ता चला जा रहा है। कैसे, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, पकड़ लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, कहीं पे भी आप घूमने गए हैं, पकड़ लीजिए आप पूरी घूमने गए हैं, ओके,
या कहीं पे भी आप जो भी आपका मन चाहे वहां पे आप घूमने गए। अब जैसे आप एयरपोर्ट से निकले या आप ट्रेन से उतरे, आप देख रहे हैं आपका पर्स मिसिंग है, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। आपका मन चावा खाना अगर कोई आपको तब दे कि भैया चलो बिरयानी खाओ, चलो राबड़ी खाओ, चलो रसगुल्ला खाओ, क्या आपको अच्छा लगेगा? प्लीज जेटबुक में लिखिए। आपके पास पैसा नहीं है, क्या आपका मन चावा खाना खाने में वो स्वाद आपको लगेगा या आपके अंदर बेचैनी काम करेगा? अगर लग रहा कि बेचैनी काम करेगा तो लिखिए यस, बी बेचैनी काम करेगा, नो एकदम अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी काम करेगा, राइट? बेचैनी काम करेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन अगर ऐसा कोई है आपके पास जान पर पहचान में कोई बंदा वहां पे है और वो अगर आपको अब 5,000 रुपए आपके हाथ में थमा दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खर्च करें, घर जाके आप मुझे लौटा दीजिएगा, आर यू फील स्ट्रेस और यू फील रिलैक्स? अगर आपको तब रिलैक्स फील लगेगा तो लिखिए आर, अगर फिर भी आपको स्ट्रेस लगेगा तो लिखिए एस। आपको रिलैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? आर यू फील रिलैक्स? मेरा पिक पॉकेट हो चुका है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे जान पहचान का एक बंदा आया, बोला अरे नो प्रॉब्लम डॉक्टर नंदी मेरे पास है, यू फील रिलैक्स? यस यू फील रिलैक्स, डेफिनेटली। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है एंटीऑक्सीडेंट। मेरे सेल में से कुछ चीज निकल जा रहा है ड्यू टू स्ट्रेस, कुछ चीज निकल जा रहा है, मेरा जो सेल है वो बेचैन हो जाता है। और उस बेचैनी को घटाने के लिए जो चीज चाहिए होता है वो किस में होता है? एंटीऑक्सीडेंट में होता है, जो वो फ्री रेडिकल्स जो सेल बेचैन हो चुका है उसको वो चीज दे देता है, वो सेल बेचैनी से कम हो जाता है। और अगर ये एंटीऑक्सीडेंट उस टाइम ना मिले, वो बेचैन सेल जितना भी सेल प्रोड्यूस करेगा हर सेल वो बेचैन सेल ही बनेगा, और आगे चल के वो बेचैन सेल आपका डायबिटिक, आपका हार्ट प्रॉब्लम, आपका किडनी प्रॉब्लम, आपका कैंसर, ये सारा कारण एक ही है, आपके अंदर बेचैन सेल ज्यादा बन चुका है। क्या क्लियर हो चुका है? तो काइंडली प्लीज टाइप सी क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज है, इसको समझना बहुत ही अहम है कि एंटीऑक्सीडेंट हम लोग के बॉडी में क्या काम करता है। तो ये इसका भी हम लोग का पास एकदम क्लियर। थैंक यू साहिब जी, थैंक यू बादल विश्वास। तो ये एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आज हर किसी के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और इसके लिए उनके अंदर जो सेल है वो बेचैन सेल का संख्या क्रम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो क्लींजिंग चाहिए, और आपका पास एसिड अल्कलाइन का बैलेंस होना चाहिए और फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट का बैलेंस होना चाहिए। ये दो चीज करना है, और इसके बाद अगर ये दोनों चीज आप ना करके सिर्फ अच्छा विटामिन अच्छा मिनरल ले रहे हैं तो आप कभी भी हेल्दी नहीं बन पाएंगे। देखिए मार्केट में बहुत सारा कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं करूंगा, लेकिन जनरली आपको क्या सब कर रहा है? अच्छा क्वालिटी का विटामिन और मिनरल। लेकिन आज के टाइम में इस बदलती मौसम में इस प्रदूषण के टाइम अगर आपका बॉडी के अंदर की कचरा आप साफ नहीं कर रहे, आपका बॉडी का एसिड अल्कलाइन बैलेंस एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स बैलेंस नहीं कर रहे, सिर्फ विटामिन और मिनरल आपको सेहतमंद नहीं रख सकता है। तो ये तीन चीज क्लींजिंग बैलेंसिंग, तब जाके आप एक्टिवेटिंग वाला चीज ले रहे हैं, अच्छा विटामिन और मिनरल ले रहे हैं, तब जाके आप सेहतमंद अंदर से सेहतमंद रह पाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर पाएंगे। कोई भी डिजीज है, कोई भी सिचुएशन में आप है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत है क्योंकि आप हेल्दी है। तो चलिए आज के टाइम में ये कैसे मुमकिन है, कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, सिंपल। और ये अगर हो गया तो क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब माइल्ड स्टेज में रहते हैं तो कोई मेडिकेशन लेता है या कुछ करते हैं, हम लोग कभी क्लींजिंग और ये बैलेंसिंग नहीं करते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे माइल्ड स्टेज से मॉडरेट में आ जाते हैं। मॉडरेट स्टेज में भी हम लोग कभी क्लींजिंग नहीं करते हैं, हम लोग की अंदर की कचरे के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है, ना तो हम लोग का बॉडी के बैलेंस में हम लोग सोचते हैं, और मॉडरेट से धीरे धीरे हम लोग क्रॉनिक स्टेज में आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं तो हम तो सेहतमंद ही थे, थोड़ा बहुत गैस का प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, उतना तो कुछ नहीं था, लेकिन मुझे क्यों हुआ भगवान, मुझे क्यों हुआ? क्योंकि आप
का उम्र है 30, 40, 50 जो भी उम्र है, आप कभी आपके अंदर की पूर्जे के बारे में सोचे नहीं, उसको साफ रखने के बारे में आप सोचे नहीं, उसके अंदर की बैलेंस के बारे में आप कभी नहीं सोचे, इसी के चलते आप माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से क्रॉनिक में आ चुके हैं। हम सभी जा आ रहे हैं, तो हम लोग को आज ही के आज जो चीज मैंडेटरी करना है, ये फॉर्मूला को लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, तब जाके हम लोग हर किसी को सेहतमंद रख सकते हैं, खुद को सेहतमंद रख सकते हैं, हम लोग की फैमिली को सेहतमंद रख सकते हैं। तो कैसे ये मुमकिन है आज के टाइम में? बहुत ही ये हम लोग का पास टाइम नहीं है, हम लोग बहुत ही बिजी है, उसमें ये फॉर्मूला को दिमाग में रख के कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर साहब कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक आसान तरीका दूंगा और आप रियली इसको बहुत आसानी के साथ दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप ये कर सकते हैं। आप जितने भी बिजी है आप अपने को सेहतमंद रख सकते हैं। क्या है वो चीज, क्या है वो नुस्खा, चलिए देखते हैं। पहला चीज, के लिक्विड क्लोरोफिल, ये डिटॉक्सिफिकेशन हेल्थ ड्रिंक्स है। क्यों ये हेल्थ ड्रिंक्स अनोखा है, क्यों ये मार्केट में और सारे हेल्थ ड्रिंक्स से अलग है? क्योंकि ये आपके अंदर की जो कचरा है इसको साफ कर सकता है, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है, इसका एक ढक्कन लगभग 1 kg वेजिटेबल्स है, मतलब आप चाहे भी तो 2 किलो दिन का सब्जी खाना आपके लिए शायद नामुमकिन हो, लेकिन एक ढक्कन क्लोरोफिल पीना इजी है। बहुत ज्यादा एल्कालाइन फूड, बहुत ज्यादा एल्कालाइन डाइट सिर्फ एक ढक्कन से आपको मिल सकता है, और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहता है, इसीलिए ये आपके अंदर की जो कोशिका जो ऑलरेडी बेचैन हो चुका है इसको भी ये नॉर्मलाइज कर सकता है। और इसमें बहुत सादा, बहुत ज्यादा तरीके से इसमें न्यूट्रिशन भरा पड़ा हुआ है, तो आपके बॉडी का क्लींजिंग, बैलेंसिंग और एक्टिवेटिंग तीनों काम सिर्फ एक हेल्थ ड्रिंक्स कर सकता है। सिर्फ एक हेल्थ ड्रिंक्स चेंज कर देने से आपके घर के हर लोगों में, हर शायद आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बुजुर्ग है, आपके घर की महिला, हर किसी में इस हेल्थ ड्रिंक्स का चेंज आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए मैं मेरे घर में जो चीज मैंने ऑब्जर्व किया, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चा है, मेरा बच्चे का उम्र 3 साल अभी नहीं हुआ है, मार्च महीने में उनका 3 साल होगा। तो पहला जो चीज होता है बच्चे में, ज्यादातर बच्चे में क्या होता है, देखिए उनका रोजाना पॉटी क्लियर नहीं होता है, और लैट्रिन रोजाना क्लियर नहीं होने से उसका भूख भी सही तरीके से नहीं लगता है। मम्मी पापा उसके पीछे पीछे खाना लेके घूमता है, वो उसका भूख लगता ही नहीं है, आउटपुट नहीं हो रहा है, इनपुट कैसे हो, तो वो नहीं खाता है। और यही बच्चा आगे चल के, हर बच्चे का आप देख लीजिए 6 से 9 महीने का आपका उसका हिस्ट्री देखिए, या तो सर्दी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसका लगा हुआ है। सिर्फ ये हेल्थ ड्रिंक्स चेंज कर दीजिए, आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ हेल्थ ड्रिंक्स पिला ही रहे हैं, सिर्फ उस हेल्थ ड्रिंक्स को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये उसका अंदर की कचरे को साफ करेगा। वो देखिए आप बच्चे को कुछ भी करके 100 ग्राम सब्जी क्या आप खिला पा रहे हैं? नहीं। आप भी जानते हैं सब्जी कितना जरूरी है, लेकिन आप डांट के, फटकार के, कुछ भी करके आप 100 ग्राम सब्जी खिला नहीं पा रहे। और एक ढक्कन क्लोरोफिल, 1 kg वेजिटेबल का जो भी असर है वो सारा उनको अंदर आएगा, वो सारा तब्दीली उनके अंदर उनमें आप नजर आएगा, उसका डाइजेशन पावर, एवरीथिंग, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, हम लोग की घर की महिलाएं, उन लोगों का प्रॉब्लम क्या, देखिए आज इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं का क्या है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, मतलब खून की कमी, और इस खून की कमी के चलते आने वाला 30-40 तक जाते जाते हर महिलाओं में कुछ ना कुछ हार्मोनल इंबैलेंस शुरू हो जाता है, क्योंकि हर ऑर्गन में ऑक्सीजन का सप्लाई सही तरीके से नहीं होता है, आपका न्यूट्रिशन का सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि खून सही तरीके से नहीं है, उतना जितना खून चाहिए वो नहीं है। तो क्लोरोफिल पहले 1 महीने में आप देखिए उनका खून की जो कमी है उसमें सुधार आना शुरू कर देगा, और 3-4 महीना कंटिन्यू कर लेंगे तो देखिएगा उनका एनर्जी लेवल में चेंज आ जाएगा, 6-7 महीना कंटिन्यू कर लेंगे तो देखिएगा उनका पीरियोडिकल रिदम ठीक हो जाएगा, उनका लैट्रिन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उनका स्किन का ग्लो चेंज हो जाएगा, बहुत सारा चीज सिर्फ एक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपका बॉडी को बैलेंस कर रहा है, इसका बॉडी के ऑर्गन को क्लींस कर रहा है, और रियली आपके बॉडी को नरिश कर रहा है, तो उनकी स्किन में भी वो ग्लो सिर्फ एक हेल्थ ड्रिंक चेंज करने से हो जाता है। और हम लोग की घर की जो बुजुर्ग लोगों है उनमें देखिए बहुत सारा लोग है जो ऑलरेडी उस पड़ाव में आ चुके हैं जिसके लिए उनको कोई ना कोई दवाई रोजाना लेना पड़ रहा है,
राइट, उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध हो सकता है क्योंकि उनके अंदर की जो कचरे का डिब्बा, वो सोचिए वो कचरे का डिब्बा बन चुका है, तो ये क्या कर रहेगा, वो कचरे का डिब्बे को साफ करेगा और उनका बॉडी का बैलेंस भी सही करेगा। तब जाके वो जो मेडिसिन भी ले रहा है वो मेडिसिन सही तरीके से बॉडी में काम करेगा, उसका डिजीज का जो प्रोग्नोसिस है मतलब डिजीज का जो ग्रोथ है वो काफी हद तक स्लो हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा दिन तक वो सेहतमंद रह पाएंगे। और इसी के चलते सिर्फ एक हेल्थ ड्रिंक्स आपके अंदर ये सारा परिवर्तन लाता है। तो इसी के चलते देखिए दाहिने की तरफ का जितना भी बेनिफिट, हर बेनिफिट आप एक हेल्थ ड्रिंक्स चेंज करने से हो जाता है। और सबसे अनोखा बात, आप एक हेल्थ ड्रिंक्स चेंज कर दीजिए, देखिएगा आपके घर के हर लोगों में अलग अलग फीडबैक आएगा। कोई आपको पूछेगा कि मेरा एनर्जी लेवल ना बढ़ चुका है, कोई बोलेगा मैं अगर पहले खाना खाता था ना तो बहुत ज्यादा हार्टबर्न मतलब जलन जैसा लगता था, या पेट मेरा भूख नहीं लगता था, इसमें सुधार आ गया। कोई बोलेगा नहीं मेरा ना लैट्रिन अच्छा हो रहा है, कोई बोलेगा नहीं मेरा ना पहले कुछ कुछ खाना खाने से ना मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी वो खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक ही चीज बहुत सारा, कोई बोलेगा नहीं मेरा ना पहले गले में खराश था वो कम हो चुका है, बहुत सारा चेंज आएगा। आप भी सोच नहीं पाएंगे एक ही हेल्थ ड्रिंक इतना सारा चेंज कैसे आ सकता है, क्योंकि ये आपका बॉडी जो आपका लाइन से डिरेल्ड हो चुका था वो आपका बॉडी को लाइन में लाएगा, उसका सिस्टम में लाएगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेगा। और इसका बहुत ही बेहतरीन हीलिंग पावर है, कहीं पे कट गया आप छील गया आप उसमें भी लगाइए, बहुत बेहतरीन काम करता है। डायबिटिक गैंग्रीन, नॉर्मली डायबिटिक गैंग्रीन जो पेशेंट होता है उन लोगों को एम्पुट किया जाता है, मतलब पैर या पैर को काटना पड़ता है, तो वैसे ही एक डायबिटिक गैंग्रीन का पेशेंट, उनको क्लोरोफिल पिलाया गया और उसको बाहर से एक्सटर्नली अप्लाई किया गया, और आफ्टर 49 डेज मिरेकल विल हैपन, उनका पैर तो काटना ही नहीं पड़ा, वो नॉर्मल आ गया। ये इसमें इतना बेहतरीन हीलिंग पावर है। मेरे खुद का भी एक मेरा एक दोस्त था, उनका मतलब उनका भाई को सिंपल डायबिटिक गैंग्रीन था, बहुत सारा कुछ किया, कुछ तरीके से कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा था, सिर्फ क्लोरोफिल का ड्रेसिंग और क्लोरोफिल पीने से नॉर्मल हो चुका है। विद इन 10 डेज उनको रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, 30 डेज में वो घाव पूरा सूख गया। तो सोचिए इतना बेहतरीन काम करता है, आप इस्तेमाल कीजिए, आपके घर में इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ एक हेल्थ ड्रिंक्स आपके घर की हेल्थ को बहुत बेहतरीन रख सकता है। अगर आपका घर हेल्दी है तो आप कोई भी काम कर रहे हैं सुकून से कर रहे हैं, आपका प्रॉस्पेरिटी भी बहुत अच्छा तरीके से रहेगा, क्योंकि आप बेचैन नहीं है। और मैं जरूर से बोलूंगा आपकी घर की महिला के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घर की महिलाएं सुस्त है तो देखिए आप, क्योंकि वो लोग हम लोग का घर संभालती हैं, तो घर अगर वो लोग संभाल रही हैं, मैं बाहर से आराम से काम कर पाता हूँ, राइट। तो इसके लिए, और जो महिलाएं बाहर काम करते हैं तो वो लोग क्या घर भी संभालती है बाहर भी संभालते हैं, उन लोग के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। और अगर घर सही है स्वस्थ है तो हर चीज में आप कामयाबी मिल सकता है, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपका प्रॉस्पेरिटी अलग लेवल में आ सकता है। तो इसके लिए क्लोरोफिल हर घर में अभी जरूरत है। और इसके साथ और एक चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए 90% डिजीज हम लोग को कहां से होता है, पेट से। हम लोग का छोटे से छोटे उम्र में भी हम लोग का दादी थे वो लोग क्या बोलती थी, पेट साफ है मतलब स्वस्थ है। लेकिन आज के टाइम में हर कोई, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो न्यूज़पेपर लेके लैट्रिन में जाता है, पेपर पढ़ता रहता है, क्योंकि मिस कॉल आ रहा है, राइट। तो आप ये छह गुना लंबा, हम लोग का जो हाइट है इसका 6 गुना लंबा मतलब 36 फुट शायद आपका 36 फुट ये जो पाइप है इसको कैसे साफ कर सकते हैं। देखिए एक प्लेट से खाना उठाना कितना मुश्किल है, हम लोग शायद उसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम वाला भाई को भी रखे हैं कि वो काम करे, क्योंकि ये बहुत परेशानी वाला काम रहता है। लेकिन मेरे अंदर की जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए कौन काम करेगा, कोई नहीं काम कर पाएगा, इसके लिए मुझे ही काम करना है। तो इसको कैसे साफ कर सकते हैं, सिंपल। और ये कचरा जमते हुए, दैट इज द, ये आपका कोलोन है, सोचिए ये आपका कोलोन है, ये इसमें क्या अच्छा है, जिधर भी देखेंगे काला काला सब 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 गंदा ही गंदा भरा हुआ है। तो ये गंदा कोलोन आपको कभी सेहत दे सकता है क्या, कभी सेहत नहीं दे सकता। तो ये गंदगी को कैसे साफ कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्लोरोफिल दिन में 2 बार डेफिनेटली लीजिए, और उसके साथ केलैक्स रात को सोने टाइम गुनगुने गर्म पानी के साथ
सिर्फ दो कैप्सूल आप ले लीजिए, दूसरे दिन या तीसरे दिन से आपका इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरे दिन से रिजल्ट मिल जाता है। और अगर आप 3 महीना कंटिन्यू कर लिए, आपका क्या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आपका गैस फॉर्मेशन हो रहा है, आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, आपको क्या रेगुलर गैस एसिडिटी के लिए दवाई लेना पड़ रहा है, आपको भी पता है उस दवाई का साइड इफेक्ट है। सिंपल, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं आप वो दवाई को छोड़ सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप उस दवाई को छोड़ सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जो भी खाना आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सिर्फ आपका कोलोन को क्लींस कीजिए। तो ये बहुत ही अहमियत है। तो अगर आपका कोलोन क्लीन हो गया, आप हेल्दी बन पाएंगे। तो चलिए, इससे ये तो आज के टाइम में हर किसी को जरूरत है। और इसके बाद मैं कुछ फूड के बारे में बात करूंगा जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रोपोलिस प्लैटिनम, ये बहुत ही अहम एक चीज है, क्योंकि देखिए आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बच्चे के परेशानी को लेकर प्रॉब्लम में है, या कोविड के चलते हर किसी का लंग में भी प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है आपका प्रोपोलिस प्लैटिनम, क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी ऑक्सीडेंट, बहुत ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। सबसे बड़ी बात, दैट इज ए फुल फेजेड ऑफ नेचुरल एंटीबायोटिक। देखिए, नेचुरल एंटीबायोटिक क्या होता है, नॉर्मल एंटीबायोटिक जो मार्केट में जो भी एंटीबायोटिक्स है वो जब बॉडी में जाता है वो ये सोच नहीं पाता है कि ये जो बैक्टीरिया ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, वो सबको खत्म कर देता है, सबको। कोई भी हम लोग एंटीबायोटिक ले, वो सबको खत्म कर देता है। और वो सब खत्म होने से क्या होता है, देखिए एंटीबायोटिक लेने के तुरंत बाद आपको क्या होता है, खाने में तकलीफ होता है, खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका बॉडी का जो गुड बैक्टीरिया है वो डैमेज हो चुका है। और प्रोपोलिस क्या करता है, ये वही काम करता है लेकिन सिलेक्टिव तरीके से, ये आपका गुड बैक्टीरिया को बचा रखता है और बैड बैक्टीरिया को मार देता है। दैट इज द इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ आपका प्रोपोलिस प्लैटिनम। ये बहुत ही अच्छा काम करता है और आपका इम्यून सिस्टम को अंदरूनी तरीके से इतना मजबूत कर देगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। ये बहुत ज्यादा बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगता है, उन लोगों को आप दीजिए, देखिए उनका ठंड लगने का जो प्रोसीड्यूर है वो एकदम कम हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपका बच्चे को ठंड बहुत कम लगेगा, या लग भी गया आप कुछ दवाई मत दीजिए, आप चेक कीजिए, मैं ये सारा चीज कर चुका हूं, कुछ मत दीजिए, आपका बच्चा 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना बेहतरीन काम करता है इसका, ये आपका इम्यून सिस्टम को इतना अंदरूनी तरीके से संभाल के रखता है। नेक्स्ट प्रोपोलिस, ये हर किसी के घर में आज अभी आप रख दीजिए, इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली आपके बच्चे के लिए तो और हर किसी के लिए ये बहुत कारगर है। और नेक्स्ट जो है केएस्मो, देखिए केएस्मो क्या करता है, ये लंग को साफ करता है। आज के टाइम में इस बदल के मौसम में हम लोग हर किसी को पता है कि पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है, और उससे भी ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन आप वो प्रदूषण तो ले रहे हैं, और जिसकी वजह से पहले आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, पहले दमे का प्रॉब्लम कितने आदमी को था, अभी कितने आदमी को दमे का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, हम लोग सबको पता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लंग को साफ कैसे कर सकते हैं, सिंपल केएस्मो ये क्या करता है, या आपके अंदरूनी जो पूरी मतलब फेफड़े हैं, फेफड़े को साफ करता है, तब जाके आपका फेफड़ा बहुत आसान तरीके से ऑक्सीजन को ले पाता है, गंदगी को साफ कर पाता है। और आपका देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि सीढ़ी चढ़ने से उसको थोड़ा सांस फूलने लगता है, आप उन लोगों के लिए लीजिए, जो लोग स्मोकिंग कर रहा है डेफिनेटली लीजिए, जो लोग को बहुत आसानी से ठंड कफ लग रहा है, या गले में खड़ा करना पड़ रहा है, या कफ हो रहा है, उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये लंग क्लियर करता है। और मैं बहुत ज्यादा जिन लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा, बुजुर्ग लोगों के लिए, देखिए जब एनवायरमेंट चेंज होता है ना, जैसे कि बरसात के टाइम या ठंड आने के टाइम, देखिए बहुत सारे लोगों को न्यूमोनेटिक कफ या न्यूमोनेटिक प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है आपका केएस्मो, आप दीजिए, बहुत ही बेहतरीन, उन लोगों का लंग को सेव करेगा, उन लोग को बहुत ज्यादा सेहतमंद रख पाएंगे। नेक्स्ट आपका केवीगो, ये मेल टॉनिक है। देखिए आज के टाइम में हम लोग इतना व्यस्त है कि हम लोग खुद का कभी टेक केयर नहीं कर पाते, तो
तो इसके लिए के वीवो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें अश्वगंधा है और बहुत सारा हर्ब्स है जो आपका जनरल वीकनेस को ठीक करता है, आपका वाइटलिटी को ठीक करता है, आपका वाइगर जो है वो सही रखता है, आपका सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ाता है, आपका सीमेन काउंट स्पान काउंट मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जनरल वीकनेस को करता है, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट। जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे देखें हर प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, क्लिनिक में जो भी प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा। इसके लिए हम लोग खास तरीके से हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस सबके सबके साथ है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट के जो है, इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हम लोग इसके बारे में ज्यादातर ध्यान देते हैं और ये आपका बॉडी को रिजुविनेट करते हैं, ठीक है। और आप हर टाइम आपको एनर्जी महसूस होगा। और वही चीज फीमेल लोगों के लिए आपका अश्वगंधा से और बहुत सारा हर्ब है इसमें, ये आपका क्या करता है, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करता है, आपका वाइटलिटी को मतलब आपका मेंस्ट्रुअल जो डिजॉर्डर उसको ठीक करता है, आपका यूकोरिया का प्रॉब्लम को ठीक करता है, प्रोमोट फर्टिलिटी है बहुत। देखिए आज के टाइम में बहुत सारा ऐसा केसेस है, बहुत सारा है जो जिन लोगों को सही तरीके से बच्चा नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि प्रदूषण या हम लोग का खान पान में बहुत ज्यादा तब्दीली हम लोग ला चुके हैं और जिसके वजह से ये एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है और हम लोग शायद किसी को साथ शेयर भी नहीं कर पाते। तो इन लोग सबके लिए ये बहुत, आप अगर रियली हैप्पी फैमिली लाइफ चाह रहे हैं तो वीटा एंड वीगो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंटरनल जेल वीकनेस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जो जो महिलाएं बाहर काम करता है या घर में काम करते, देखिए आप एक दिन कोई भी आपका मम्मी है, आपका वाइफ है, कोई भी है, आप उनका काम करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, आप थक जाएंगे। और रोजाना वही वो काम कर रहा है एकदम, क्यों, क्योंकि वो लोग हम लोग को प्यार करता है लेकिन उसके उसके हम लोग क्या करते हैं, वो लोग हम लोग को प्यार करते हैं लेकिन हम लोग उन लोगों को क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे। डेफिनेट हम उन लोगों को भीटा दीजिए, डेफिनेट भीटा दीजिए, देखिए उन लोग में एक अलग फुर्ती। आप अगर सर्विस भी अच्छा चाह रहे हैं ना, उनसे सर्विस और भी अच्छा आपको मिलेगा, और भी अच्छा मिलेगा, और भी ज्यादा केयर ही मिलेगा। तो आपको वीटा हर आज वेबिनार में जितने भी, मैं नहीं जानता हूँ कितने लड़की है क्या लड़का है, जितने लड़की है वो लोग जरूर से लेना शुरू कीजिए, जितने लड़के लोग हैं उन लोग के फैमिली में डेफिनेटली वीटा इंट्रोड्यूस कीजिए क्योंकि आप अपना सर्विस अच्छा पाएंगे, आपका घर सही रहेगा तो आप बाहर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये सारा प्रोडक्ट जो है मैंने बताया, ये डेफिनेटली इस्तेमाल शुरू कीजिए, आप रियली हेल्दी रह पाएंगे। और एक चीज देखिए आज के टाइम में कैंसर 10 मिनट ए सेल, आज हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग हर चीज ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, इतना ऑनलाइन हो चुका है जिसके वजह से हम लोग का दिमाग में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, ज्यादा आपका मोबाइल देखने से स्टिफनेस आता है, आपका ब्रेन कैंसर होने का चांसेस है, ब्रेन में सर्कुलेशन। देखिए कैंसर बाद का बात करते हैं लेकिन पहला जो चीज इफेक्ट करता है, करेगा ही करेगा आपको, वो क्या है, आपका बॉडी का ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो जाएगा एकदम, डेफिनेट सर्कुलेशन कम हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर होने का चांसेस है, आप क्या कर सकते हैं। और अभी के टाइम में हम लोग बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, चलो पढ़ो 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 मोबाइल में पढ़ो, आप क्या सोच रहे हैं, ये जितने भी है हम लोग स्कूल खोल जाएगा सब भी हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन क्या एकदम से चला जाएगा, नहीं, ऑनलाइन रहेगा ही, कुछ ना कुछ हम लोग के लाइफ में ये जब आ चुका है इसको बदल पाना नामुमकिन है, तो इसका असर रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग को करना क्या है, इससे बचेंगे कैसे, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम लोग बच सकते हैं क्योंकि हम लोग का ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो रहा है, ब्रेन में पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है। इसके लिए एक ही चीज चाहिए, आपका ब्रेन में बहुत ज्यादा नेगेटिव आयन देना है और इसका सर्कुलेशन सही करना है। ये कैसे कर सकते हैं, एक के आयन नैनो, ये स्पेक इसमें खास क्या है, ये खास है इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव आयन है, जब आप ये पहनते हैं पहला चीज जो आपका करता है ये आपका ब्रेन में सर्कुलेशन को सही करता है, और दूसरी आपका ड्यू टू स्ट्रेस आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसमें आपका इंफ्रारेड डाला हुआ है जो आपका वैसो डायलेट करता है, मतलब आपका ब्रेन में सर्कुलेशन तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है और इसी के चलते आपका ब्रेन सुकून महसूस करता है। आपका ब्रेन सुकून है मतलब आपका ब्रेन क्या है, हर किसी और ऑर्गन में जो भी काम कर रहा है, मेरे गाल में मच्छर बैठा हुआ है, ब्रेन बोल रहा है मारो,
तब जाके मेरा हाथ ये काम कर रहा है, राइट। तो ब्रेन से ही नहीं काम कर रहा है तो कुछ कुछ काम नहीं करेगा। तो आपका ब्रेन को टेक केयर करना बहुत जरूरी है। हम लोग हर बच्चे के आज मोबाइल यूज कर रहा है लेकिन उनका आंख का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए बच्चे 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 में अभी चश्मा लगा हुआ है और ब्रेन में सर्कुलेशन बहुत ज्यादा कम है। तो उनके लिए ये के आयन नैनो एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। आप डेफिनेटली दीजिए, उनमें तब्दीली आप महसूस कर सकते हैं। बहुत सारा देखिए ड्राई आई, आंख लाल होना, फैटिग हो जाना, ये सारा प्रॉब्लम होता है। और अभी शुगर का पेशेंट भी बहुत ज्यादा, कैटरक्ट का प्रॉब्लम, ग्लूकोमा, ये सारा प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। आप अपना बॉडी में, आपका ब्रेन में, आपका ऑक्सीजन, आपका आई में ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं और डेफिनेटली आप डेफिनेटली हेल्दी रह सकते हैं। ये देखिए एक आंख और ब्रेन, ये दोनों ऑर्गन क्या है, आप क्या वैल्यू देंगे इसका, क्या वैल्यू हो सकता है। आप कितना भी पैसा खर्च कीजिए, दूसरा ब्रेन आपको नहीं मिलेगा, दूसरा ब्रेन आपको नहीं मिलेगा। तो इसका ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर ब्रेन। ये आपको या आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको स्ट्रेस ज्यादा लेना है तो ब्रेन को भी सुस्ती देना है, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो अभी क्या है, अभी एक ही चीज है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। यही एक लौता जगह है, इस बॉडी के अंदर ही मैं रह सकता हूं, इस बॉडी के बाहर मैं नहीं रह सकता। तो इस बॉडी को टेक केयर करना हर किसी का, हम सबका जिम्मेवारी है। नेक्स्ट जो चीज, हम लोग सोचते हैं कि इतना सारा कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा 10 मिनट टाइम भी क्यों निकालूं, जब प्रॉब्लम होगा तब देखा जाएगा। देखिए अगर आप अभी टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो शायद, अगर मैं अभी टाइम नहीं निकाल रहा हूं तो मुझे फोर्सफुली हॉस्पिटल में बेड में रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा भी बहुत जाएगा लेकिन मैं कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा। लास्ट, हेल्थ केयर का मतलब स्किन ग्लो होना, वेट लॉस होना डेफिनेटली नहीं है। इसका मतलब क्या, आपका मेडिकल बिल कम करना है, आपका पेन को कम करना है, आपका लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करना है, लाइफ में कुछ टाइम ऐड करना है। तो इसके लिए आपको हेल्थ केयर करना बहुत जरूरी है और सही हेल्थ केयर करना है। हेल्थ केयर करना लेकिन सही जगह से सही हेल्थ केयर करना, तब जाके आपका मेडिकल बिल कम हो सकता है, आपका पेन कम हो सकता है, रियली आपका लॉन्ग हैप्पी लाइफ हो सकता है। तो दोस्तों, इफ इट इज कॉस्ट मनी टू स्टे हेल्दी बट इट इज इवन मोर एक्सपेंसिव टू गेट सिक। आपको सेहतमंद रहने के लिए कुछ खर्चा करना जरूरी है, खर्चा करना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो उससे भी काफी ज्यादा हम लोग को खर्चा करना पड़ेगा। तब खर्चे का कोई सीमा नहीं रहेगा, आपके हाथ से गेम चला जाएगा। तो अभी कुछ जैसे हो सके क्या, 1 क्लोरोफिल में अभी बजट कर सकता हूं मेरे घर के लिए, डेफिनेटली वही कीजिए। हर किसी के लिए आप सोच रहे हैं मेरे घर में लिए आप 2 क्लोरोफिल में बजट कर सकता हूं, वही कीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ ठीक हेल्थ केयर आपके बॉर्ड आप अपने फैमिली में कीजिए, ताकि आगे चल के आप अपना मेडिकल एक्सपेंस कम कर सकते हैं, आपके सर दर्द को कम कर सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। और डेफिनेटली मैं जान रहा हूं आज जितने भी वेबिनार में है, 26 आदमी लास्ट तक बने हुए हैं, मैं सभी को एक ही चीज बोलूंगा, डेफिनेटली इसको इस्तेमाल कीजिए, इसका भरपूर बेनिफिट लीजिए और हैप्पी और हेल्दी रहिए। सो दैट्स ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, गुड नाइट। एक्सलेंट शेयरिंग। हमने पहले ही बोला था प्रोग्राम की शुरू होने से पहले जी, आज जो प्रोग्राम जिसके पास से हम ये मैसेज मिलेंगे उनका शेयरिंग इतना सिंपल तरीके जैसे, आज की वेबिनार में जितने सारे पार्टिसिपेट अभी उनके पास एक क्लियर मैसेज मिल चुका है कि आने वाला दिन में हम